नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की उदया तिथि पूर्णिमा और शुक्रवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज दोपहर 2:26 तक रहेगी। आज स्नान दान की कार्तिक पूर्णिमा है। आज देर रात 3:52 तक परिघ योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पार करके भोर 4:29 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा। आज महत्वपूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जायद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 20 नवंबर की सुबह 6:22 से शाम 5:05 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं है। अब ये योग 5 दिसंबर की सुबह 6:02 से अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा। आज दोपहर 1:40 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 10:47 से दोपहर 12:07 तक। मुंबई दोपहर पहले 11 से दोपहर 12:24 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:49 से दोपहर 12:08 तक। लखनऊ सुबह 10:31 से दोपहर पहले 11:52 तक। भोपाल सुबह 10:43 से दोपहर 12:06 तक। कोलकाता सुबह 10 से दोपहर पहले 11:22 तक। अहमदाबाद दोपहर पहले 11:03 से दोपहर 12:25 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 10:28 से दोपहर पहले 11:54 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज किस्मत आपके साथ रहेगी। आप कुछ ऐसे कार्यों को करने के लिए तैयार रहेंगे जिन्हें करके आप खुद के बारे में अच्छा महसूस करेंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप घर में ताजे फूल की तरह अपने स्वभाव में ताजगी बनाए रखें। ऑफिस का जो काम आपने किया है उसका श्रेय किसी और को न जाने दें। हो सकता है बॉस आपको किसी जरूरी काम की जिम्मेदारी भी दें। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज आप में सफलता और उच्च पद पाने की इच्छा बनेगी। आपकी कोशिश रंग लाएगी। लंबे समय से चल रही रुकावटें आज खत्म हो जाएंगी। आज आपकी किसी दूर के रिश्तेदार से फोन पर बातचीत होगी। घर वालों के साथ किसी धार्मिक कार्य में मन लगाएंगे। इस राशि के जो लोग एक्टिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, आज समाज में नाम ऊंचा हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज का दिन उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। आज आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिससे आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। महिलाओं के लिए आज का दिन राहतपूर्ण रहने वाला है। आपकी सैलरी में बढ़ोतरी भी होगी, साथ ही पदोन्नति भी मिलने की संभावना है। आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। जो लोग मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके काम की गति आज तेज होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। आज आप नए विचारों से परिपूर्ण रहेंगे और जिन कामों को करने के लिए चुनेंगे वे आपको उम्मीद से ज्यादा फायदा देंगे। परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम बढ़ेगा। लवमेट्स आज एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।
तो रिश्तों में मधुरता आएगी, सामाजिक तौर पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सोशल मीडिया के जरिए आज आप सामाजिक संगठनों से जुड़ेंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों, आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज आपका आकर्षक स्वभाव दूसरों का ध्यान आपकी ओर अपनी ओर खींचेगा। अगर आप कोई नई जमीन खरीदना चाहते हैं तो घर के सदस्यों से राय जरूर लीजिए। आज कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले थोड़े रुक सकते हैं और साथ ही किसी बड़े वकील की राय भी आज आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। बच्चे आज पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन तले भुने भोजन का सेवन अवॉइड करें तो अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज का दिन मिली जुली प्रतिक्रिया देने वाला है। पिछले किए गए प्रयासों का फल मिलने वाला है। आज आपकी भूमिका नेतृत्वकारी रहेगी। आज कुछ नए मौके भी मिलेंगे जो आपको आर्थिक लाभ देने वाले हैं। पुरानी चिंताओं को भूलकर आगे की ओर बढ़ने की सोचिए। किसी भी समस्या पर घबराने के बजाय अपनों की सलाह लीजिए, लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ा नोकझोंक होने की उम्मीद है, जिससे आपका मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज आपका मन अध्यात्म में अधिक लगा रहेगा। आज आप घर पर ही परिवार वालों के साथ मांगलिक कार्य का आयोजन करेंगे। किसी पुराने दोस्त से बात आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। अपने चारों ओर होने वाली गतिविधियों का ध्यान रखें, क्योंकि आपके काम का श्रेय कोई दूसरा ले सकता है। आज आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। कोई नया काम शुरू करने का विचार आपके मन में आएगा। लवमेट्स के लिए भी आज का दिन खुशियां लेकर आएगा। कहीं से रुके हुए पैसे आज वापस मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन सामान्य रहने वाला है। कामकाज में सावधानी बरतने की जरूरत है। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जरूरी कार्यों को आज दूसरों के भरोसे न छोड़ें। छोटे स्तर पर शुरू किया गया बिजनेस आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, आज उनके काफी करीब पहुंच जाएंगे। इस राशि के छात्रों को आज काफी मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य आज सामान्य रहेगा। घर वालों के साथ किसी गंभीर विषय में बातचीत होगी, जिसमें आप अपनी राय देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वायलेट और लकी नंबर है 5। धनु राशि वालों, आज का दिन खुशियां लेकर आया है। आज आप मानसिक रूप से आपको बड़ी प्रसन्नता रहेगी, मन खुश रहेगा। प्रतिस्पर्धियों पर आज आप विजय प्राप्त करेंगे। पुराने निवेश से आज आपको लाभ होगा। अपने भाई बहन के साथ आज अच्छा समय बिताएंगे। इस राशि के जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, आज उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आज आपको पैसे के लेन देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। माता पिता का आशीर्वाद लेकर काम शुरू करने से आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। बिजनेस में आज आपको सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं। किसी भी कार्य में आपकी कोशिश अपनी छाप छोड़ जाएगी, जिसका आपको फायदा जरूर मिलेगा। इससे आर्थिक स्थिति काफी मजबूत बनेगी। आज आपको वाणी पर संयम रखना होगा। इस राशि के जो लोग डॉक्टर हैं, समाज में उनका नाम ऊंचा होगा। इसमें सहयोगियों का पूरा पूरा साथ आपको मिलेगा। इस राशि के छात्र आज किसी एकांत जगह पर जाकर पढ़ाई करें, पढ़ाई में मन लगेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 8। कुंभ राशि वालों, आज का दिन शानदार रहने वाला है। रचनात्मक शौक करने से आज आपको सुकून का एहसास होगा। आज आपकी रचनाओं की लोग तारीफ करेंगे। आज व्यर्थ की बातों पर तनाव लेने की जरूरत नहीं है। इससे आपको मानसिक तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ चला आ रहा पुराना तनाव आज दूर हो जाएगा। रुके हुए कार्यों में आपको किसी सरकारी अधिकारी की राय मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज लोगों का आपके ऊपर भरोसा बढ़ेगा। बिजनेस के मामले में आज आप सही ढंग से अपनी बात रख पाएंगे। नई सहभागिता होने की उम्मीद है। साइंस और रिसर्च की फील्ड से जुड़े लोगों को कोई अच्छी खबर मिलेगी।
पुराने कामों का निपटारा करने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। घर के लोग आपकी सहायता के लिए भी तैयार रहेंगे। बड़ों का दिया हुआ सुझाव आज आपके बहुत काम आएगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज चिड़ियों को दाना डालें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को चंदन से तिलक करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की उदया तिथि पूर्णिमा और शुक्रवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज दोपहर 2:26 तक रहेगी। उसके बाद मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज स्नान दान की कार्तिक पूर्णिमा है। इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिनों की होने से पूर्णिमा का व्रत तो कल ही किया जा चुका है, आज स्नान दान किया जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान का बड़ा महत्व है। साथ ही जब कार्तिक पूर्णिमा कृत्तिका नक्षत्र से युक्त होती है तो ये महाकार्तिकी पूर्णिमा कहलाती है और शास्त्रों में इसको बड़ा ही पुण्यकारी बताया गया है। संयोग की बात यह है कि आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन कृत्तिका नक्षत्र भी है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान और हवन आदि का बड़ा महत्व है। आज किसी तीर्थ स्थल पर स्नान करने से वर्ष भर तीर्थ स्थलों पर स्नान करने का फल प्राप्त होता है। साथ ही आज जो कुछ भी दान किया जाए उसका कई गुना लाभ मिलता है। वास्तव में कार्तिक मास की पूर्णिमा मनुष्य के अंदर छुपी बुराइयों को, नेगेटिविटी को, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ और मोह को दूर करने में सहायता करती है और जीवन में पॉजिटिविटी, प्रसन्नता और पवित्रता का संचार करती है। तो ये थी चर्चा कार्तिक पूर्णिमा की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज देर रात 3:52 तक परिघ योग रहेगा। इस योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्य में सफलता मिलती है। साथ ही आज पूरा दिन पार करके भोर 4:29 तक कृतिका नक्षत्र रहेगा। कुल 27 नक्षत्रों की श्रेणी में कृतिका तीसरा नक्षत्र है। कृतिका का अर्थ होता है कार्य करना। वनस्पतियों में कृतिका नक्षत्र का संबंध गूलर के पेड़ से है, लिहाजा कृतिका नक्षत्र के दौरान जन्मे लोगों को आज गूलर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। आज ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा परिघ योग और कृतिका नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज के मुख्य विषय यानी आज पढ़ने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्रमशः एक ही सीध में होते हैं या चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी परछाया में आ जाता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। और अब की बार चंद्रमा पूर्ण रूप से पृथ्वी की छाया से ढका हुआ रहेगा, अतः ये चंद्र ग्रहण महत्वपूर्ण है। ये चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेगा, कहां कहां पर लगेगा और इसका विभिन्न राज्य के लोगों पर क्या असर होगा, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि वृष राशि और कृतिका नक्षत्र पर लगने वाला ये ग्रहण ग्रस्तोदित खंडग्रास रूप में, देखो ग्रस्तोदित शब्द, ग्रस्त उदित खंड ग्रास, ये सब टेक्निकल टर्म्स है। क्या है कि चंद्रमा, चंद्रोदय, ये जब चंद्र ग्रहण लगेगा भारत में दिन का समय होगा तो उस समय चंद्रमा आपको दिखाई नहीं देगा। चंद्रमा ग्रस्त है, उदित है, खंड ग्रास रूप में है, अरुणाचल प्रदेश के सुदूरवर्ती इलाकों में दृश्य होगा, बहुत छोटा सा डोमिनल, बहुत अल्प समय के लिए। इसके अलावा पूरा भारतीय परिक्षेत्र ग्रहण मुक्त रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के जिस हिस्से में यह ग्रहण दिखाई देगा वहां भी चंद्रोदय के समय ग्रहण बहुत ही कम समय के लिए दिखेगा। अब देखिए यह ग्रहण कहां दिखेगा, इसकी इंपॉर्टेंस है। यह ग्रहण प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, न्यूजीलैंड और हिंद महासागरीय क्षेत्र के पूर्वी इलाकों में दिखाई देगा। अब इसकी समय की जानकारी ले लीजिए। भारतीय समय अनुसार इस चंद्र ग्रहण का स्पर्श काल आज दोपहर 12:49 पर होगा। इसका मध्यकाल दोपहर 2:34 पर होगा और इसका मोक्ष शाम 4:17 पर होगा। अतः इस ग्रहण का पर्वकाल 3:28 का होगा जबकि इसका सूतक
बीती रात 3:49 से ही शुरू हो चुका है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण आरंभ होने के 9 घंटे पहले लग जाता है। ग्रहण के सूतक के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान चारों तरफ निगेटिविटी फैल जाती है, जिसका असर ग्रहण प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों पर पड़ता है। देखो, बातचीत में आगे बढ़ने के पहले 2 बातें साफ करते हैं। देखिए, जो ग्रहण जहां दिखाई देता है केवल वहीं उसका असर होता है, धार्मिक, एस्ट्रोलॉजिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक सीध में आ गई, तो जहां वो दिख रहा है वहीं उसका इम्पैक्ट ज्यादा है। भारत में नहीं दिख रहा है, बहुत नॉमिनल दिख रहा है, भारत में उसका इम्पैक्ट नॉमिनल है। नॉमिनल मीन्स नॉमिनल, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हल्ला नहीं, कोई इससे बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं तो पड़ रहा है ना, तो और हमारे इंडिया टीवी के दर्शक तो जो क्षेत्र मैंने बताया उन क्षेत्रों में भी, इंडिया टीवी तो ग्लोबल है भाई, बहुत से, तो उन दर्शकों के लिए भी तो हमें बताना होगा। तो अब चर्चा करते हैं, तो जो भारतीय दर्शक हैं, हम भारतीय, आप सबसे पहले तो अपने चित्त से निकाल दीजिए कि कोई आपके ऊपर बड़ा भारी प्रभाव होने वाला है, बल्कि हम आपको राय देंगे कि इसका आप पॉजिटिव इस्तेमाल कीजिए। जो हमने ग्रहण का समय आपको बताया है, इस समय भगवत भजन कीजिए, सिद्धियां प्राप्त करिए, मंत्रों को पढ़िए, मंत्र पढ़ के सिद्धियां प्राप्त करिए। बस ग्रहण काल में क्या नहीं करना है आप चाहें तो उसको निभा लें, लेकिन कोई घबराहट वाली बात नहीं है कि इस समय भारत में ग्रहण पड़ रहा है, बाहर मत निकलना, ये मत, देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो इसलिए बिल्कुल चिंतित होने की बात नहीं, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट आपके पास इंडिया में नहीं। तो इस पीरियड का इस्तेमाल आप मंत्रों की शक्ति को जगाने, अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, अब जिन क्षेत्रों में पड़ रहा उनकी बात कर लेते हैं। अच्छा, ग्रहण के समय में नेगेटिविटी बहुत होती है, उसका असर ग्रहण प्रभावित क्षेत्र में रह रहे लोगों पर भी पड़ता है, इसलिए सूतक लगने पर घर में सभी पानी के बर्तन में, दूध में, दही में कुश या तुलसी की पत्ती या दूरवा धोकर डालनी चाहिए, और ग्रहण समाप्त होने के बाद उसको निकाल के बाहर, दूरवा है, कुश है, उसको निकाले बाहर कर दीजिए। इसके अलावा ग्रहण के समय अन्य किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी हम आपको याद दिलाएंगे। ग्रहण के समय रसोई से संबंधित कार्य अवॉइड करने चाहिए। जिन क्षेत्रों में ग्रहण पड़ रहा है वहाँ लोगों को रसोई संबंधित कार्य अवॉइड करना चाहिए, खास करके खाना नहीं बनाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान अपना खास ख्याल रखना चाहिए, उन्हें किसी भी तरीके का काम अवॉइड करना चाहिए, सुई में धागा बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, कुछ छीलना काटना नहीं चाहिए, कुछ छौंकना या बखारना भी नहीं चाहिए। ये गर्भवती जो माताएं हैं उनके लिए विशेष ये है देशना कि ऐसा बिल्कुल नहीं करें। इसके बजाय पूजा पाठ करेंगे, चंद्रदेव के मंत्रों का तेज आवाज में उच्चारण कर सकते हैं। चंद्रदेव का तंत्रोक्त मंत्र बार बार आपको बताते हैं, ओम शांग शिंग सौं सह चंद्रमसे नमः। उससे वैभव पाने के लिए, विद्या पाने के लिए, माया पाने के लिए ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः, जो कामना हो आप इस मंत्र को पढ़िए। इसके अलावा इन मंत्रों का जाप करने से आपके आसपास नेगेटिविटी नहीं रहेगी। इसके अलावा आप अपने इष्ट देव का ध्यान कर सकते हैं। इसके अलावा आप विश्व देवों का ध्यान कर सकते हैं। आपको बता दूं विश्व देवों में 10 देवता शामिल हैं, इंद्र, अग्नि, सोम, त्वष्टा, रुद्र, पूका, विष्णु। कहते ना स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः, स्वस्ति न पूका विश्ववेदाः, स्वस्ति न स्तार्क्षो वरिष्ठनयमेः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, वही पूका। विष्णु और अश्विनी कुमार, मित्रावरुण और अंगिरस, ये विश्व देव हैं। आज इन सबके मंत्रों का पाठ करना चाहिए, मंत्र का जप करो। मंत्र क्या, ओम इंद्राय नमः, ओम अग्नये नमः, ओम सोमाय नमः, ओम त्वष्टाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम पूखनाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अश्विनीये नमः, ओम मित्रावरुणाय नमः, ओम अंगिरसाय नमः।
इन मंत्रों के जाप के साथ ही ग्रहण के सूतक के दौरान थोड़ा सा अनाज और कोई पुराना पहना हुआ कपड़ा हो सके तो सफ़ेद रंग का कपड़ा निकाल कर अलग रख दे, और जब सफ़ेद रंग का सूती हो तो ज़्यादा अच्छा, वरना जो आपका पहना हुआ होना चाहिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब उस कपड़े और अनाज को बहुत आदर सहित रिक्वेस्ट के साथ किसी सफाई कर्मचारी को दान कर देना चाहिए। इससे आपको चंद्रदेव के शुभ फल प्राप्त होंगे। अच्छा, यहां एक बात और बता दूं कि अब देखिए कृतिका नक्षत्र है, कृतिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य। इस चंद्र ग्रहण में सूर्य से संबंधित मंत्र, खासकर गायत्री मंत्र, बड़ा कारगर साबित होगा। तो ये थी ग्रहण से जुड़ी कुछ खास बातें, और अब हम चर्चा करेंगे विभिन्न राशियों पर चंद्र ग्रहण के प्रभाव के बारे में। आपकी जन्मपत्रिका पे किस स्थान पर ग्रहण लगेगा ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि वालों, ग्रहण आपकी जन्मपत्रिका के सेकंड हाउस पर लगेगा, दूसरे स्थान पर। ये स्थान धन से संबंध रखता है और ग्रहण के प्रभाव से आपको अपने धन के प्रति कुछ चिंता हो सकती है, लिहाजा इस चिंता से मुक्ति के लिए घर की बुजुर्ग महिला की सेवा करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। वृष राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके लग्न में लगेगा। ये स्थान स्वयं का माना जाता है, शरीर का माना जाता है। इस ग्रहण के प्रभाव से आप अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंतित परेशान हो सकते हैं, लिहाजा स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए बरगद के पेड़ में जल चढ़ाइए। कभी भी चढ़ाइए, कोई जरूरी नहीं ग्रहण के दौरान ही चढ़ाइए, जब मौका मिले तब चढ़ाइए। और मिथुन राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके 12वें घर में लगेगा, यानी आपके शैया सुख पर ये ग्रहण लगेगा। परिवार को लेकर आपको कुछ चिंता हो सकती है, अतः इस चिंता से मुक्ति पाने के लिए आपको अपने किसी भी कार्य की शुरुआत पानी पीकर करनी चाहिए। कर्क राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके 11वें स्थान पर लगेगा और 11वां स्थान आमदनी और कामना पूर्ति से संबंध रखता है। इस ग्रहण के प्रभाव आपके लिए अच्छे होंगे, आपको सुख की प्राप्ति होगी, लिहाजा ये शुभ स्थिति बनाए रखने के लिए आज आपको दूध से बनी कोई चीज छोटे बच्चों को खिलानी चाहिए। सिंह राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके 10वें स्थान पर लगेगा, यानी आपके और आपके पिता के करियर, आपके करियर, पिता, दोनों चीजों पर ग्रहण लगेगा। आप और आपके पिता को मानसिक रूप से कुछ कष्ट हो सकता है, अतः इन मानसिक रूप से परेशानियों से बचने के लिए आपको अभी फिलहाल कुछ दिनों तक, लगभग एक फोर्टनाइट समझिए, 14-15 दिन तक रात के समय दूध पीने से बचना चाहिए। और कन्या राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके 9वें स्थान पर लगेगा, यानी आपके भाग्य पर लगेगा। इससे आपके जीवन में कुछ फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, अतः चंद्रदेव, लेकिन यहाँ एक बात यह है कि आपका चूंकि चंद्रमा एकादशेश है तो अकारक है, दो माइनस मिलकर प्लस बन सकते हैं, लेकिन फिर भी संभावित अशुभ फलों से बचने के लिए, शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए एक कटोरी में सफ़ेद चावल डालकर अपने 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 घर के मंदिर में रखिए और ग्रहण के बाद उन्हें दान कर दीजिए। तुला राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके 8वें स्थान पर लगेगा और ये स्थान आयु से संबंध रखता है। इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से आपकी आयु में बढ़ोतरी होगी, साथ ही आपको धन लाभ होगा। अतः चंद्रदेव के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज आपको घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और वृश्चिक राशि वालों, इस चंद्र ग्रहण आपके 7वें स्थान पर लगेगा, यानी जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों पर लगेगा। इसके प्रभाव से आपको थोड़ी सी आर्थिक हानि हो सकती है, और उस थोड़े से नुकसान से भी बचत करना चाहते हैं तो मंदिर में दूध दान कर दीजिए, बात काम खत्म। और धनुराशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके 6ठे स्थान पर लगेगा, ये आपके स्वास्थ्य, मित्र और शत्रुओं से संबंध रखता है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपके रोग और शत्रु नष्ट होंगे, लिहाजा इन उतार चढ़ाव, किसी भी संभावित उतार चढ़ाव से बचने के लिए आपको अपने पिता को अपने हाथों से दूध पिलाना चाहिए। अगर पिता आपके नज़दीक नहीं है, आप पिता से दूर हैं, तो किसी पिता तुल्य व्यक्ति को पिला दीजिए। मकर राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके 5वें स्थान पर लगेगा, पंचम स्थान। इस ग्रहण के प्रभाव से आपको शारीरिक रूप से कुछ परेशानी हो सकती है, लिहाजा इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए आज आपको थोड़े से चावल और मिश्री बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। और कुंभ राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके 4थे स्थान पर लगेगा, 4था स्थान माता, भूमि, भवन और वाहन से संबंध रखता है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपको हर तरह का लाभ मिलेगा,
आपको धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे, लिहाजा लाभ की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आज आपको मंदिर में जाकर माता टेकना चाहिए ग्रहण के बाद। मीन राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके तीसरे स्थान पर लगेगा। तीसरा स्थान भाई बहन से संबंध रखता है, पराक्रम से संबंध रखता है, प्रकाशन से संबंध रखता है, भाई बहनों के की वृद्धि होगी, साथ ही आपको भी उनसे आर्थिक रूप से सपोर्ट मिलेगा। अतः भाई बहनों का साथ बनाए रखने के लिए और उनकी आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आज आपको रिश्ते में घर की बड़ी महिलाओं को प्रणाम करना चाहिए और उनके काम में सहयोग देना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज कार्तिक पूर्णिमा और विशेषकर चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण कितने बजे लगेगा, इसका विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या प्रभाव होगा, उनके किस स्थान पर यह चंद्र ग्रहण लगेगा और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने उसकी चर्चा की। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर फायदा उठाएंगे। देखिए, यहां एक बार फिर दोहरा दूं, भारत में इस ग्रहण का प्रभाव नगण्य, लेकिन हमारा कार्यक्रम उन क्षेत्रों में भी, इंडिया टीवी का को उन क्षेत्रों में भी देखा जाता है, क्योंकि ये ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, जहां पर ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा, इसलिए उनके लिए भी हमने ये बताया। और जहां भारतवर्ष में जो ये राशि की बातें बताई हमने, तो किसी न किसी कहीं ना कहीं तो हो रहा है ना, थोड़े से छोटा एक उपाय कर लेने में कोई बुराई नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा अभी हाल में हम पढ़ रहे थे, ये ग्रहण इसके पहले 1404 में पड़ा था, अब 2226 में पड़ेगा। नहीं सर, 19 नवंबर 2021 सृष्टि के इतिहास में न तो इसके पहले कभी आया था और न इसके बाद कभी आएगा। तो इस तरीके के किसी भ्रमजाल में मत पड़िए कि ये कोई बहुत बड़ा ग्रहण है, इससे ये होने वाला है, उससे वो। हाँ, इस ग्रहण का टाइम पीरियड बहुत लंबा है, लेकिन भारत पे एक फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट के लिए जहां है वहां इस प्रभाव को कैसे मीट आउट कर सकते हैं, इसके सारे उपाय हमने आपको बताए। और अब बात तीर्थ की, आज हम आपको कराने जा रहे हैं बिहार के विष्णु धाम मंदिर के दर्शन। ये मंदिर बिहार के शेखपुरा में स्थित है। मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति 7.5 फीट ऊंची और 3.5 फुट चौड़ी है। खास बात यह है कि विग्रह की वेदी पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ है। बताया जाता है कि विग्रह पर लिखी हुई लिपि 9वीं शताब्दी की है। भगवान के हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। ये पुरातन विग्रह 1992 में एक तालाब की खुदाई के समय प्राप्त हुए थे, जिसके बाद इन्हें यहाँ स्थापित कर दिया गया। लोग दूर दूर से भगवान विष्णु के इस अद्भुत स्वरूप के दर्शन करने आते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस पुरातन विष्णु धाम के दर्शन। और चलते चलते आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय, हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय, त्रिभुवन व्यापकाय, कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय, स्तंभोद्भवाय, समस्त दोषान हर हर विसर विसर, पच पच हन हन, कंपय कंपय, मत मत, ह्रीं ह्रीं ह्रीं, फट फट, ठा ठा, एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज जेब में 2 लौंग रखें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 01244721000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। हेयर कलर करना शैम्पू जितना आसान, स्ट्रीक्स इंस्टा शैम्पू हेयर कलर लगाओ 5 मिनट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।